केस के महोबा जनपद में पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त छापेमारी कर शराब का जखीरा बरामद किया। सैकड़ों की तादाद में शराब की भरी हुई बोतलों समेत पैकिंग मशीन, हॉलमार्क शराब बनाने में उपयोग आने वाला केमिकल और रॉ मटेरियल बरामद किया गया। महोबा में शहर आबकारी और शहर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। संयुक्त टीम बनाकर की जाने वाली इस छापेमारी के दौरान अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। शहर में रहने वाले जगदीश पुत्र हर्ष आरोप के मकान पर काफी दिनों से संचालित की जा रही अवैध शराब फैक्ट्री पर नकेल कसने में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा में पठा रोड में जगदीश यादव के मकान में शराब फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें सील करने की मशीन, काफी मात्रा में स्प्रिट, बहुत सारी QR कोड्स, भरी हुई शीशियाँ और खाली शीशियाँ, ढक्कन, लेबल, तमाम सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। ये छापेमारी संयुक्त रूप से आबकारी और पुलिस के द्वारा एक साथ की गई है, क्योंकि इसकी सूचना दोनों लोगों के पास थी और हम लोग आपस में अपनी सूचनाएं साझा कर रहे थे और जैसे ही अप्रोप्रिएट हमने समझा इस पर हमने छापा। क्या इसमें कोई आरोपी मिला? आरोपी कोई नहीं मिला हुआ है, आरोपी फरार थे। जगदीश यादव का मकान है। क्या क्या बरामद किया गया? भरी हुई शीशियाँ, नकली शराब की बनी हुई खाली शीशियाँ, ढक्कन, QR कोड, सीलिंग मशीन, स्प्रिट और तमाम सारे बारदाने प्राप्त हुए हैं। ये लोग किस ब्रांड की शराब बना रहे थे? ये लोग 25 डिग्री दिल से ब्रांड की शराब बना रहे थे, जो सारी चीजें नकली थी और ये कमरे के अंदर कार्रवाई कर रहे। कितने दिनों से चल रहा था सर जी? जिसकी सूचना बस अभी ये एक दिन पहले हमको मिली थी, तो हमने कोतवाल साहब को भी मिली हुई थी कहीं से सूचना इसकी। हम दोनों ने आपस में सूचना को साझा करके और अभी ये बहुत जल्दी ही महोबा शिफ्ट हुई, कहीं से भी फैक्ट्री बहुत दिनों की नहीं थी, जैसे ही यहाँ आई हमने उसको वैसे ही पकड़ लिया है। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, संयुक्त रूप से हम लोगों को सूचना मिल रही थी एक दिन से, तो हम लोगों ने साझेदारी करके इस सूचना को मूल रूप देने के लिए आज पर्याप्त समय पर एक साथ गवी थी। तो ये मकान में जगदीश यादव का मकान है, यहाँ पर ताला बंद था पहले से, तो इसको हम लोगों ने सूचना पर पूर्व मुखबिर के द्वारा सबकी सूचना थी, इस पर हम लोग ताला खुलवाया गया और अंदर देखा गया तो अंदर भारी मात्रा में शराब, अवैध जो बनाने के उपकरण, सीलिंग, पैकिंग, QR कोड और ढक्कन, खाली प्लास्टिक की शीशियाँ और दिल ब्रांड का 25 डिग्री ये बरामद हुआ है और आरोपी तो यहाँ नहीं मिला, लेकिन आरोपी की तलाश की जा रही है और विधि कार्रवाई की जा रही है।